देश के टुकड़े करना कांग्रेस के डीएनए में शामिल है। 1947 में इन्होंने देश का विभाजन करवाया, लगभग 2.25 करोड़ लोग विस्थापित हुए, लगभग 1 लाख लोगों की शहादत हुई। 1984 में फिर इन्होंने सिख दंगे करवा के लगभग 3400 सिखों का शहादत हुई है। अब जब इन्होंने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे तो ऐसा लगने लगा था शायद ये अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन 3-4 दिनों की यात्रा में ही इन्होंने अपनी असलियत बता दी। इन्होंने जलते हुए कपड़ों की ट्वीट करके बता दिया कि 145 दिन बस और, इसका मतलब कि 145 दिन बाद तुम देश को आग लगा दोगे। तो ये किसी भी प्रकार से लोग अब समझ चुके हैं, अब ये नया भारत है, अब इनके मंसूबे या किसी भी देशद्रोही के मंसूबे हम कामयाब नहीं होंगे। उसको यही दिखाना चाहते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा है। धीरे धीरे जो कांग्रेस में जुड़े हुए लोग थे, जो समझदार हैं, उनको समझ आती जा रही है कि कांग्रेस पार्टी से देश का कोई भला नहीं हो सकता, इसलिए एक एक करके धीरे धीरे करके वो कांग्रेस पार्टी से बाहर आ रहे हैं और कांग्रेस का बिखराव हो रहा है। तो अब जो व्यक्ति राजनीति में इतने साल रहा है, देश के लिए बातें उठाता रहा है, तो राजनीति तो करेगा ही, तो अब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। देखिए, अब कोई लड़ाई लड़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। कश्मीर के लोगों को भी समझ आ गई है कि धारा 370 से हमारे कितने जो स्कीमें थी वो हम तक नहीं पहुंच पाती थी वहाँ के अलग संविधान होने की वजह से। आज कश्मीर में हिंदुस्तान की सरकार जो भी योजनाएँ प्रदेशों के लिए बनाती हैं वो जैसी बाकी प्रदेशों में लागू होती हैं वैसी वहाँ पर भी लागू होती हैं। तो अब चंद लोग हैं, वो उनकी दाल रोटी इसी से चलती है कि वो लोगों को फाड़ने वाले या लोगों को तोड़ने वाले मुद्दे जिंदा रखते हैं। तो उसमें से मुफ्ती मोहम्मद भी एक है। देखिए, ये जो श्रीमान जी हैं ओवैसी जी, इनका पिछले काफ़ी लंबे समय का इतिहास देखिए, ये रोज़ देश को किसी न किसी प्रकार से तोड़ने की बात करते हैं, देश को कमज़ोर करने की बात करते हैं। तो समय समय पर ये अपने बयान देते रहते हैं जिनका कोई अर्थ। देखिए, शरद पवार जी या कोई भी और कुछ भी कहे, जांच एजेंसियां यहाँ पर संविधान के तहत बनी हुई हैं और वो निष्पक्षता से कार्रवाई कर रही हैं, और किसी ने अगर गलत नहीं किया हुआ तो उसको डरने की जरूरत नहीं है, उसको निश्चिंत रहना चाहिए कि एजेंसियां, और अगर एजेंसियां कोई काम करती हैं तो अदालतों के दरवाजे खुले, पूरी तरह से अदालतों पर निष्पक्ष हो जाके अपनी बात।